प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश के संसद में दिए गए रफल डील पर झूठे बयान पर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का पुतला शहीद स्मारक के सामने जलाया गया। कांग्रेस केंद्र सरकार के सरकारी दावे का खंडन करती है। तथ्यों के आधार पर 1.03 लाख करोड़ घोटाले का राफेल डाकू विमान के सौदे में जो खपलेबाजी की गई है उसकी जिला कांग्रेस जांच की मांग करती है। इस घोटाले में केंद्र की सरकार ने देश को गलत जानकारी दी है। राफेल समझौते में निजी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश से झूठ बोला है जिससे देश की गरिमा को भी ठेस पहुंची है। समझौते की आए दिन खुलती परतें प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को झूठ के कटघरे में खड़ा करती हैं। ये कल्चर ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म पूंजीवाद की संस्कृति इस सौदे से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाए जाने की बू आ रही है। फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद का समझौता होने के बाद इस विमान सौदे से जुड़ा सरकारी कंपनी HAL से लेकर एक निजी भारतीय समूह की रक्षा कंपनी को दिया गया था, जो कंपनी समझौते से 12 दिन पहले पंजीकृत हुई थी और उसके पास विमान बनाने का कोई अनुभव नहीं था। इस निजी भारतीय कंपनी ने पिछले साल 16 फरवरी को बयान जारी कर कहा था कि उसे राफेल से जुड़े 30,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट और 1,00,000 करोड़ रुपए का लाइफ साइकिल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके अलावा एक सरकारी विज्ञप्ति में रक्षा मंत्री ने कहा था कि उन्हें निजी कंपनी को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने की जानकारी नहीं है। देश के राष्ट्रीय हितों के साथ हुए खिलवाड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि रक्षा मंत्री ने देश के सामने झूठ क्यों बोला है। आज कांग्रेस पार्टी ने सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर जो है धरना प्रदर्शन रखा गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला राफेल विमान खरीदने के नाम से हुआ है। भारत सरकार ने जब कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी तो उसमें एक ठेका दिया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, जो एक सरकारी उपक्रम है, और ये तय हुआ था कि 500 करोड़ के लगभग जो है उस विमान का रेट तय किया गया था, फ्रांस से ये राफेल जो था विमान खरीदना था। लेकिन आज इसके नाम से एक भ्रष्टाचार हुआ और उस जो HAL का ठेका था उसको जहां रद्द किया गया और एक ऐसी कंपनी को दिया गया, एक बड़ा उद्योगपति, उन्होंने एक कंपनी जो है इसके लिए बनाई गई जिनके पास कोई अनुभव जो था वो विमान खरीदने का, विमान सप्लाई करने का, विमान बनाने का या विमान के रखरखाव का नहीं था, और एक उस कंपनी को जो है HAL से ठेका उसका रद्द करके जो है उस कंपनी को 500 करोड़ का विमान जो है 1600 करोड़ रुपए में खरीदने का जो है वो सौदा किया गया, और वो कमीशन जो है सीधे तौर पे जो सत्ताधारी दल के नेता हैं और जो वो उद्योगपति है जिसके नाम से आज सरकार जो है जानी जाती है कि ये सरकार जो है आम आदमी की सरकार होने की बात बजाय जो है वो अदानी और अंबानी की सरकार है, तो ये बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर जो है ये देश के पैसे को लूट रहे हैं। और हमारा सीधा सीधा आरोप है कि इसमें जो मोदी सरकार है वो पूरी तरह से संलिप्त है, क्योंकि वो आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए जो है पैसा इकट्ठा कर रही है, चाहे वो 1400 करोड़ रुपए का तो उन्होंने सीधा अपना जो है दफ्तर बना लिया, और इलेक्शन जितने भी इलेक्शन है वहां पे वो जो चुनावी खर्चे की सीमा तय की होती है इलेक्शन में उससे कई गुना ज्यादा पैसा जो है खर्च करते हैं, अपने विज्ञापन देने के ऊपर पैसा खर्चते हैं जिसमें अरबों रुपए जो है वो सरकारी खजाने के ऊपर भी जो है वो चोट पहुंचाई है और उसको नुकसान किया है, और साथ में जो है वो जो बीजेपी के कार्यक्रम हैं बड़ी बड़ी रैलियां करने में और उसमें जो लोगों को गुमराह करने में अपने कैडर को मोबाइल करने में जो है इस पैसे का जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये सरकारी पैसा है और इसकी हमें रक्षा करनी है, और जब प्रधानमंत्री से जिसे ये प्रश्न हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अपने भाषण के जरिए पार्लियामेंट के अंदर रखा तो उसमें लोगों को गुमराह किया गया और सीक्रेसी एक्ट सीक्रेसी एग्रीमेंट के बहाने जो है वो ये बताने से इनकार किया कि उसका जो है ये सौदा क्या हुआ है, उसके कागज जो है वो लोकसभा के अंदर नहीं रखे गए। तो आज हिंदुस्तान ये जानना चाहता है कि ये इतना बड़ा घोटाला जो करोड़ों रुपए पैसे जो है वो हिंदुस्तान के बर्बाद आप कर रहे हैं उसका आपको हक नहीं है, और इसको जो है तुरंत जो है इस डील को बंद करना चाहिए, और आने वाले समय में जो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव हमारे पार्टी के नेताओं ने दिया है उसके माध्यम से भी जो है ये सच्चाई जो है लोगों के सामने आएगी।